कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का मतलब ये होता है कि जब आपके बॉवल मूवमेंट्स ठीक से काम ना करें, यानी कि आपको स्टूल्स पास करने में परेशानी हो। टेक्निकली अगर हम कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझें तो उसका मतलब ये है कि आप एक हफ्ते में 3 बार से कम फ्रेश हो रहे हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब आपके स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएं या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएं, स्टूल पास करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, स्टूल्स के साथ आपको ब्लड आने लगे, पॉटी पास करने के बाद भी आपको ये लगने लगे कि कुछ ना कुछ अंदर रिमेनिंग है और ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करता जा रहा हो। अगर आपने आज ही इसका इलाज लेना शुरू नहीं किया तो ये आगे चलकर फिशर या फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है और जो आपके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको अपनी डाइट में अपनाकर कॉन्स्टिपेशन के इस प्रॉब्लम से आप बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट, लेमन यानी कि नींबू। देखिए जो नींबू होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है। नींबू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करना शुरू कर देता है, आपका खाना डाइजेस्ट होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं रहती है। अब सवाल ये उठता है कि नींबू को आपने लेना कैसे है। देखिए प्रेफरेबली ये है, अच्छा तो ये रहेगा कि आप सुबह खाली पेट एक ग्लास गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ कर सुबह सुबह इसका सेवन करें, या फिर दिन में एक बार आप किसी भी वक्त लेमन टी ले सकते हैं, यानी कि जो आपकी ग्रीन टी है उसी के अंदर आधा नींबू निचोड़ कर आप ले सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपकी कॉन्स्टिपेशन में ज़रूर आराम देगा। सेकेंड, पुदीना। पुदीने के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो पुदीना उसको कम करता है। पुदीना आपकी बॉवल मूवमेंट्स को ठीक करता है। इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये आपके स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है और कॉन्स्टिपेशन से आपको आराम देता है। आपने इसको लेना कैसे है, आप एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसके अंदर आपने कुछ पुदीने की पत्तियाँ डालकर छोड़ देनी है। आधे से एक घंटे बाद आपने क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए तो इस पानी को आपने दिन में एक बार पी लेना है। आपने लगातार अगर 7 दिन इसको पियोगे तो इसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। थर्ड, अदरक। अदरक एक नेचुरल रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये आपके स्टूल्स को सॉफ्ट बनाती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके डाइजेशन को ये ठीक करती है, बॉवल मूवमेंट्स को प्रमोट करती है। अब आपने इसको लेना कैसे है, आप एक ग्लास पानी ले लीजिए और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए। अदरक के इस टुकड़े को आप एक ग्लास पानी के अंदर कस लीजिए। जब ये उबल उबल कर आधा रह जाए तो आपने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडे होने के बाद दिन में एक बार इसका सेवन करना है। आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ जरूर दिखेगा। फोर्थ, जैगरी यानी कि गुड़। देखिए गुड़ आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अब आपको गुड़ को लेना कैसे है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने रात को खाना खाने के बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसको खा लेना है। डेली आपने ऐसा करना है, आपका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे कर ठीक होता जाएगा। फिफ्थ, त्रिफला चूर्ण। देखिए जो त्रिफला चूर्ण होता है वो एक आयुर्वेदिक औषधि यानी कि मेडिसिन है और वो आपकी कब्ज को परमानेंटली भी ठीक कर सकती है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने रात को खाना खाने के बाद एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। जो त्रिफला चूर्ण है वो आपके तीनों दोषों पे काम करता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत दिलाता है। सिक्स्थ, अंजीर। जिन लोगों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है यानी कि कब्ज की शिकायत है, उनको अंजीर बहुत फायदा दे सकती है। उनको क्या करना है, उनको 2 से 3 बादाम लेने हैं और 2 से 3 सूखे अंजीर लेने हैं। दोनों को उन्होंने पानी में भिगोकर रख देना है। लगभग 3 से 4 घंटे बाद उन्होंने बादाम को छील लेना है और अंजीर ले लेनी है और उसको पीस कर एक पेस्ट बना लेना है। अब 1 चम्मच जो ये पेस्ट आपने बनाया है उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर रात को खाना खाने के बाद आपने इसका सेवन करना है। लगभग 7 दिनों तक जब आप इसका लगातार सेवन कर लेंगे तो आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ जरूर मिल जाएगा। 7th,
हनी यानी कि शहद। देखिए आयुर्वेद के हिसाब से शहद आपकी पूरी बॉडी पर काम करता है, आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने शहद को कैसे लेना है, आप एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर सुबह खाली पेट उसका सेवन कीजिए। सबसे पहले ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा और कॉन्स्टिपेशन में भी आपको आराम दे देगा। 8. फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। जो अलसी के बीज होते हैं उसके अंदर खूब सारा फाइबर होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अलसी के बीज आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत राहत पहुंचाते हैं। आपने इसको लेना कैसे है, आपने एक ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर 2 से 3 घंटे तक आपने रख देना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपने रात को सोने से पहले इसका सेवन करना है। अलसी के बीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं, आपके स्टूल्स को सॉफ्ट बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही जल्दी आपको राहत दे देते हैं। 9. फ्रूट्स। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, ऐसे कौन से फल हैं जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी कॉन्स्टिपेशन से राहत पा सकते हैं? तो आप अपनी डाइट में सबसे पहले ऐड कीजिए पियर, अंगूर, पपाया, प्लम, ऑरेंजेस एंड बेरीज। ये जितने भी फ्रूट्स हैं इनके अंदर अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर हैं और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करते हैं, आपकी बॉवल मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाते हैं। 10th, वेजिटेबल्स। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए? तो आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए ब्रोकली, ग्रीन पीस, स्पिनच यानी कि पालक और खूब सारा सैलेड। आप सैलेड में कुकुम्बर ले सकते हैं, टमाटर आप उस ले सकते हैं, ककड़ी जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिलती है वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों के अंदर फाइबर होता है और फाइबर आपके स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है, आपकी बॉवल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है और कब्ज़ से आपको राहत दिलाता है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जाहिर सी बात है आप सारी चीजें एक दिन में नहीं ले सकते, लेकिन इनमें से कुछ कुछ चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक चीज से या किसी भी इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम है तो आप उस रेमेडी को ना अपनाएं, इसके जगह पे जो दूसरी रेमेडी मैंने आपको बताई है उसका आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।